तो गाइज दिस इज़ रितिक पवार और आप देख रहे हैं रितिक पवार एक्स। तो गाइज आज हम आए थे यहाँ पे एरो सिटी, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड पे भी GMR एरो सिटी। तो ये महिपालपुर में, जब आप एयरपोर्ट की साइड पे जाओगे ना तो वहाँ पे पड़ता है ये। और ये यहाँ पे जैसे नेचर लवर होते हैं दिल्ली में, बोलते हैं कि बहुत पोल्यूशन है और आपको यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया मिलेगा, बहुत मतलब दिल्ली के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं जब दिल्ली का नाम लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल्ली में आओगे, मैं आया हूँ अभी, मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए, तो मैं अपनी मौसी जी के यहाँ पे आ रखा हूँ। तो मौसी जी हाय कर दे एक बार, भी हाय कर दे। हाँ, तो मैं अपने मौसी जी के यहाँ पे आ रखा हूँ, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं स्टे कर रहा हूँ। और तो आज ये लोग मुझे लेके आए हैं यहाँ पे कि चल तुझे आज घुमा के लेके आते हैं। तो मैंने आके यहाँ पे देखा, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे भी कोई इतनी अच्छी जगह हो सकती है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, पर इतना अच्छा नेचुरल वाइब्स वगैरह आएंगे यहाँ पे, ये मैंने नहीं सोचा था। पर गाइस यहाँ पे आके ना मेरा सर बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे रिफ्रेश, बोलते हैं ना नेचर लवर, वैसे भी मैं नेचर लवर तो बहुत हूँ, जैसा कि आप लोग फार्म पे देखते हो ये, मैं पेड़ वगैरह में पानी देता रहता हूँ कई बार, फिर पेड़ वगैरह भी लगाता रहता हूँ। तो यहाँ पे एप्पल की प्रमोशन हो रही है हेलो येलो की, यहाँ पे बिलबोर्ड वगैरह भी हैं, वहाँ पे विराट कोहली के वीवो V27 की सीरीज़ की वो प्रमोशन के लिए किया है। तो गाइस और तो यहाँ पे भाई साहब क्या ही बोले, क्या ही नेचर लवर्स के लिए तो ये जन्नत है एक टाइप से। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस टाइप के फूल वगैरह हैं, ये देखो कितने अच्छे फूल वगैरह हैं यहाँ पे। भाई साहब कसम से इस एरिया में आके ना मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। तो दोस्तों हम काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे थे अपनी मौसी और बहन के साथ। बहन को तो आपने देख ही रखा होगा, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते, और हाँ जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वैसे भी यहाँ पे देखो नीचे साइड में स्लाइड हो रही है आईडी मेरी कि रितिक पवार एक्स के नाम से मेरी आईडी। अरे कुछ बंदे यहाँ पे, ये देखो ये वर्कर्स होते हैं, सारा दिन काम करते हैं यहाँ पे, इस टाइप से सो भी जाते हैं फिर। तो ये अभी मैंने आपको बिलबोर्ड दिखाया था कि ये वीवो का बिलबोर्ड है, यहाँ पे विराट कोहली ने प्रमोशन किया है इसका। ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे इस पहले सड़क को पार करते हैं जल्दी से, कहीं कोई उड़ा जाए अभी में। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाइन से यहाँ पे पार्क है, देखो अभी ये दूसरा पार्क आ गया है यहाँ पे, अभी वो पीछे एक दूसरा पार्क था और ये यहाँ पे आके आपका दूसरा पार्क स्टार्ट हो गया। इससे आगे जाओगे आप, उससे भी आगे उस साइड जाओगे, वहाँ पे भी आपका पार्क दिख जाएंगे आगे, मतलब पार्क ही पार्क है यहाँ पे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नेचर लविंग बहुत है। और यहीं पे साइड में इसके यहाँ पे एयरपोर्ट है, टर्मिनल टू है जो, वो इसी के साइड में है, यहीं पर ज़्यादा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, छोरी फिट जाएगी मौसी जी, चोरी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे चलते चलते हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, यहाँ पे ये एक एक्सप्रेस वे जा रहा है, ये एक्सप्रेस वे का वैसे मुझे नाम तो पता नहीं है, पर ये यहाँ से एक्सप्रेस वे जा रहा है और ये बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही बड़ा, मतलब नीचे से देखोगे ना आप कम अप्रोक्स ये होगा, ये 400-500 मीटर चौड़ा है, ये दोनों साइड से लगाएं तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो फिर ये कितना चौड़ा है। अब यहाँ से हमें ये लाइन वगैरह, ये चाहे तो हमें रोड क्रॉस करना होगा या फिर ये यहाँ से कच्चे में जाना होगा, माटी है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो गाइस ये जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइड में कुछ फैक्ट्रीज़ भी हैं, ये मतलब वो तो है कि मतलब कोई फैक्ट्री है पॉल्यूशन तो छोड़ेगी, पर ये वो फैक्ट्रीज़ हैं जो लीगल हैं और कुछ लिमिटेड परसेंटेज में ही वो स्मोक वगैरह छोड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बना रखी हैं, वरना हर किसी को यहाँ पे परमिशन नहीं है इतने ब्यूटीफुल वे नेचर को बिगाड़ने के लिए। बताया था ये कितना कंजेस्टेड और कितना चौड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके आगे तक आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा ही नहीं,
मतलब ऐसे तो नहीं है तो दिखेगा ही नहीं, मतलब कुछ एरिया है उसके बाद ही जाके दिखेगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वॉइस भी कितनी वैसी आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है और जो इको होता है ना उसकी वजह से यहाँ पे आवाज़ बहुत कम आ पा रही है। तो दोस्तों जैसा कि ये अब हमारा एरो सिटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे फिर आपका आके ये मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है, उस साइड कुछ होटल भी हैं, फिर एक वर्ल्ड मार्क नाम से आपके वर्ल्ड मार्क 1, 2 और 3 नाम से 3 बिल्डिंग होती हैं, जिनमें एक में रेस्टोरेंट है आपका खाने पीने का, एक में ऑफिस वगैरह है, एक रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे फिर कुछ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है। तो अब हम अपने जस्ट अपने घर पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के दोबारा मिलता हूँ। तो ओके गाइज, अब हम अपने घर पहुँच चुके हैं, पहुँच तो काफ़ी देर पहले गए थे उसके बाद, लेकिन मैं आके यहाँ पे सो गया था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी वीडियो मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।